दोस्तों, धूम सीरीज की फिल्मों को लेकर दर्शकों में एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसका विलन हीरो बताया जाता है। अब तक इस सीरीज की 3 फिल्में बन चुकी हैं। पिछली धूम 3 में आमिर खान विलन बने थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं, तो उन्होंने इस फिल्म में भी अपनी बेहतरीन अदायगी से सबको अपना दीवाना बना लिया था। आपको बता दें कि धूम सीरीज की 4th फिल्म का नाम धूम रीलोडेड द चेंज कंटिन्यूज बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आदित्य चोपड़ा धूम रीलोडेड को आज की जेनरेशन को ध्यान में रखकर बनाना चाहते हैं, और आज की जेनरेशन में अक्षय कुमार और सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा देखी जाती है। आपको बता दें कि धूम 3 के रिलीज होने के समय से ही धूम 4 के विलेन को लेकर अंदाजे लगने लगे थे। तब से लेकर अब तक यही खबरें आ रही थी कि शाहरुख खान का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन अब आपको बता दें कि शाहरुख खान का नाम विलेन के रोल से हट गया है और इस रोल में अब सलमान खान का नाम फाइनल हो गया है। जी हाँ, एक अंग्रेजी वेबसाइट ने दावा किया है कि धूम 4 में विलेन का रोल सलमान खान निभाएंगे। सलमान खान के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि सलमान खान ने हमेशा से ही नेगेटिव किरदार करने से परहेज किया है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धूम सीरीज में जो विलन होता है वो अंत में हीरो के काम करते हुए नजर आता है, तो शायद इसीलिए सलमान खान ने इस फिल्म में विलन का रोल निभाने के लिए हामी भर दी होगी। वहीं नेगेटिव रोल में सलमान खान से बात तो पक्की हो चुकी है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो सलमान और अक्षय कुमार धूम में एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे। लेकिन अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। 3 फिल्मों में हैट्रिक करने के बाद अभिषेक और उदय चोपड़ा धूम 4 से गायब नजर आएंगे। इन दोनों की जगह अब अक्षय कुमार का नाम सामने आ रहा है। खबरें ये हैं कि अक्षय कुमार धूम सीरीज के 4th सीजन में इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे। वहीं अब खबरें हैं कि धूम 4 में अमिताभ बच्चन एक अहम और कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। जहां तक फिल्म की हीरोइन की बात है, तो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था, लेकिन दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। और अब अगर देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा की फर्स्ट चॉइस दिशा पाटनी हो सकती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस फिल्म में कौन सी हीरोइन नजर आएंगी। हाँ, ये तो कंफर्म है कि इस फिल्म में सलमान खान विलेन के रोल में और अक्षय कुमार इंस्पेक्टर यानी कि अभिषेक बच्चन वाले रोल में और रणवीर सिंह उदय चोपड़ा वाले रोल में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि धूम सीरीज हॉलीवुड की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस की थीम पर बनाई गई है। धूम सीरीज की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें जॉन अब्राहम विलेन के रोल में नजर आए थे, और वहीं अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा पुलिस कर्मियों के रोल में थे। फिल्म हिट साबित हुई थी। वहीं सीरीज की दूसरी फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय नेगेटिव रोल में थे। वहीं इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ बिपाशा बसु भी पुलिस के रोल में नजर आई थी। ये फिल्म पिछली फिल्म से ज्यादा कामयाब रही थी। अब अगर बात करें धूम 3 की, तो धूम 3 में आमिर खान चोर के रोल में नजर आए थे। फिल्म में उनका डबल रोल था और कटरीना कैफ आमिर खान के ऑपोजिट थी। फिल्म में पुलिस के किरदार में एक बार फिर से अभिषेक बच्चन नजर आए थे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी एक कैमियो रोल में नजर आए थे। तो दोस्तों, आप धूम 4 देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।